Hello and welcome to Pendulum E-Day. And in today's Hindu session, or you can say the Hindu vocabulary session, I'm discussing yet another article with you. This article heads as Letter and Spirit on New Domicile Rules in Jammu and Kashmir. Domicile, आपको पता है किसी भी जगह की जो नेटिविटी होती है डोमिसाइल यहाँ पर अगर आप देखें वैसे तो एक नाउन है डोमिसाइल, यहाँ डोमिसाइल रूल्स की बात हो रही है, राइट? सो डोमिसाइल यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है और इसका मतलब यहाँ पर है, देखिए डोमिसाइल का मतलब है रिलेटिंग टू अ पर्सन हु और अ कंट्री दैट अ person treats as his permanent home. जब कोई व्यक्ति किसी कंट्री को अपना परमानेंट होम मानता है तो आप कह सकते हैं वो उसकी नेटिविटी या उसको अपना डोमिसाइल मानता है, राइट? दिस इज वॉट इट इज, जो आपकी वहाँ की नेतृत्व को एक्सप्रेस करता है, उससे संबंधित कोई चीज़ है तो वो डोमिसाइल है. इट सेज ऑपोजिशन टू द न्यू डोमिसाइल रूल इन जम्मू एंड कश्मीर इज रूटेड इन ओल्ड फियर्स एंड न्यू सस्पिशन. रूटेड इन ओल्ड फियर्स मतलब कि गड़ा हुआ है, गड़ा हो गड़े होना. किसमें गड़ा हुआ है ये जो रूल है? ये पुराने डरों में और नए सस्पिशन. सस्पिशन नाउन है. सस्पिशन का मतलब होता है डाउट, जिसे आप हिंदी में कहते हैं संदेह, कोई शक के बिना में, राइट? और अगर मैं रूटेड इन कह रही हूँ तो गड़ा हुआ ये एक फ्रेजल वर्ब है, ओके? क्योंकि रूट वर्ब है और इन प्रेपोजिशन, और जब भी एक वर्ब और प्रेपोजिशन साथ में होते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब होते हैं. कहते हैं न्यू डोमिसाइल रूल दैट फॉलो द टर्मिनेशन ऑफ द स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. टर्मिनेशन इज नाउन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? और टर्मिनेशन का जो मतलब होता है ये एक नाउन है, इसका मतलब है किसी चीज़ को ख़त्म करना, एंड करना, टू ब्रिंग टू एन एंड, ठीक है? क्या टर्मिनेट किया है? जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो स्पेशल स्टेटस था उसे, विच वॉज रीऑर्गेनाइज इन टू टू यूनियन टेरेटरीज, हैव ब्रॉट सकर एंड होप फॉर अ सेगमेंट ऑफ इट्स पॉपुलेशन. सकर, हैव ब्रॉट सकर, सकर इज नाउन और सकर का मतलब होता है हेल्प, एड, ठीक है? जिसे आप कहते हैं मदद, ओके? जो कि क्या ले आया है? सकर ले आया है और एक होप ले आया है उसकी पॉपुलेशन के एक छोटे से हिस्से को, सेगमेंट को, दैट हैड टू कंटेंड विद फ्रैगमेंटेड सिटीजनशिप राइट्स फॉर लॉन्ग, जो कि बहुत लंबे से सिटीजनशिप राइट्स के लिए लड़ रहे थे, दैट हैड टू कंटेंड. नाउ व्हाट इज कंटेंड? कंटेंड इज अ वर्ब और इसका मतलब होता है टू फेस और टू कम्पीट. आई विल राइट हियर, कंटेंड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू कम्पीट या टू स्ट्रगल, ठीक है? और ये एक्चुअली कुछ लोग कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, किस चीज़ के लिए? सिटीजनशिप राइट्स के लिए. दिस ग्रुप ऑफ 2 or 3 lakh पीपल इज मेड अप ऑफ रिफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान, सैनिटरी वर्कर्स रीसेटल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड गोरखाज हु अराइव्ड एज सोल्जर्स बिफोर इंडिपेंडेंस. तो वो बता रहे हैं कि ग्रुप में कौन कौन है. द अर्सवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अर्सवाइल इज एन एडजेक्टिव और अर्सवाइल का मतलब होता है बिफोर, या आप कह सकते हैं फॉर्मर, ठीक है? पिछला, दैट इज अर्सवाइल. तो कह रहे जो पिछला स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, जो इसके पहले वाला, द अर्लियर. सो अर्सवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गेन स्पेशल पावर्स टू डिफाइन इट्स परमानेंट रेसिडेंस एंड रिस्ट्रिक्ट लैंड, एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट राइट्स ओनली टू देम. और तब उन्होंने ये रिस्ट्रिक्ट कर रखा था अपने तक. दिस कोहर्ट वॉज नॉट क्लासिफाइड एज परमानेंट रेजिडेंस.
लीडिंग टू अ डिनाइल ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू देम इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिक्स. वो कह रहे हैं कि फर्स्टली जो स्पेशल पावर्स थी वो इन इन सब चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी. और ये जो कोहर्ट था, कोहर्ट्स का मतलब क्या होता है? ग्रुप. ओके, ये नाउन है फर्स्ट ऑफ ऑल. और कोहर्ट्स का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर सेगमेंट, कोई पर्टिकुलर सेक्शन या कैटेगरी आप कह सकते हैं. तो वो कह रहे हैं ये जो हमने जो कैटेगरी अभी आपको बताई, ये जो कोहर्ट था ये क्लासिफाइड नहीं था परमानेंट रेसिडेंट का, और इस वजह से इनको ये अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई इन सब सेक्शंस में, चाहे वो एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो या पॉलिटिक्स हो. अब लीडिंग टू अ डिनाइल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, डिनाइल भी नाउन है और डिनाइल का, अच्छा डिनाइल का पहले मैं आपको मीनिंग बताती हूँ. डिनाइल का मीनिंग होता है रिजेक्शन, मना करना. तो मनाई किसी बात की, वो डिनाइल होता है. ठीक है, कोहर्ट आप कह सकते हैं हिस्सा, या आपने कहा ग्रुप तो एक सेक्शन हो सकता है सोसाइटी का. ठीक है, एक हिस्सा जिसे हम कह सकते हैं. तो वही उनको ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली और इन सब का उनको इन सब चीज़ों से अलग कर दिया गया. सो अ सिचुएशन नॉट मियरली, मियरली एडवर्ब है लर्नर्स, और बहुत ही ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है. मियरली का मतलब होता है सिर्फ, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ओनली, या फिर आप कह सकते हैं जस्ट. ओके, ओनली या फिर जस्ट. मैं एक बार स्क्रीन इरेज करके वापस से मेयरली को एग्जांपल आपको क्लियरली लिखती हूँ. मैंने कहा कि जो मेयरली है वो एक एडवर्ब है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसका मतलब होता है ओनली, या आप कह सकते हैं जस्ट. हिंदी में आप कहते हैं सिर्फ, या इतना सा मर्ली सिंगल पीस ऑफ चॉकलेट ऐसे, राइट? अ सिचुएशन नॉट मर्ली अनजस्ट, सिर्फ अनजस्ट ही नहीं है, मतलब जो भेदभाव कर रहा है वो ही नहीं है, बट ऑल्सो अनटेनेबल. अनटेनेबल इज एन एडजेक्टिव लर्नर्स, और अनटेनेबल का मतलब होता है अनआर्ग्यूएबल. मतलब इस पे क्या ही आप आर्ग्यूमेंट करेंगे, है ना? तो अनआर्ग्यूएबल है, जिस पर की चर्चा ना की जा सके. ठीक है, अनआर्ग्यूएबल है बिकॉज वो उनको बिल्कुल भी सही नहीं लगा. इट इज नॉट एट ऑल गुड. मूविंग अहेड द आर्टिकल से, सबसिक्वेंट टू चेंजेस टू आर्टिकल 370 एंड 35A इन अगस्त 2019, इन मार्च 2020 द कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट वॉज डिसकंटिन्यूड इन जम्मू एंड कश्मीर. भाई इन सब अमेंडमेंट्स के बाद उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया, जो परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट था. एज पर द न्यू डोमिसाइल रूल, दोज पर्सन्स एंड द चिल्ड्रन हु हैव रिजाइडेड फॉर 15 years इन जम्मू एंड कश्मीर और हैव स्टडीड फॉर 7 years एंड अपियर्ड इन द क्लास 10 or 12 एग्जाम इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द यूनियन टेरिटरी आर एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल. सिर्फ उनको ही ये डोमिसाइल का राइट दिया जाएगा, जिससे कि वो इस जगह को अपना परमानेंट होम कह सकते हैं. बिसाइड्स मिटिगेटिंग द हिस्टोरिकल डेप्रिवेशन, भाई मिटिगेटिंग इज एन एडजेक्टिव बट यहाँ पर एक वर्ब की तरह यूज हुआ है. भाई मिटिगेट का मतलब होता है, आई एम राइटिंग इट हियर, यहाँ वर्ब के तरह यूज हुआ है. मिटिगेट का मतलब होता है टू लेसन, कम करना. वो दर्द कम करना हो सकता है, दुख कम करना हो सकता है, स्ट्रेस को कम करना हो सकता है. ठीक है, सो बिसाइड्स मिटिगेटिंग द हिस्टोरिकल डेप्रिवेशन, डेप्रिवेशन इज नाउन और डेप्रिवेशन का मतलब होता है लैकिंग. एक और वर्ड है जो इससे रिलेट होता है, दैट इज पॉवर्टी और एम्पावरिशमेंट. ठीक है, कमी किसी चीज की, दैट इज. तो वो कह रहे हैं कि इस चीज को, जो हिस्टोरिकल डेप्रिवेशन, इसको कम करने के बजाय द चेंजेस विल एनेबल, इसको कम करने के साथ साथ, क्योंकि यहाँ लिखा है बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब के साथ साथ, उसके साथ साथ द चेंजेस विल एनेबल मैनी अदर्स currently living in Jammu and Kashmir to get domicile and associated rights. तो ये benefit है.
वो बता रहे हैं, नॉट ओनली इज रिजॉइसिंग दो, तो ये जो चीज़ है, नॉट एवरी वन इज रिजॉइसिंग दो, बट ये भले ही आपको यहाँ पर जो ये बात बताई गई, ये बेनिफिट है माना, ठीक है, बट सब लोग इस बात से खुश नहीं हैं। रिजॉइसिंग यहाँ पर वर्ब की तरह यूज हुआ है, दैट इज बीइंग हैप्पी, तो सब लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हर्ष उल्लास, खुशी से फूला नहीं समाना, राइट, दैट इज रिजॉइसिंग। तो कह रहे सब रिजॉइस नहीं कर रहे हैं, क्यों? देर आर कंसर्न दैट द चेंजेस इन डोमिसाइल रूल्स विल लीड टू अ ह्यूज इनफ्लक्स इन टू द रीजन। इनफ्लक्स का यहाँ पर नाउन की तरह यूज हुआ है, इनफ्लक्स का मतलब इनफ्लो, एकदम से जो कहते हैं ना बाढ़ आ जाना, ठीक है, रीजन में आ जाएगी। क्यों? अ मोर अनचैरिटेबल इंटरप्रिटेशन इज दैट अ डेलिबरेट स्कीम टू चेंज द डेमोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ द रीजन इज अनफोल्डिंग। वो कह रहे हैं अ मोर अनचैरिटेबल इंटरप्रिटेशन मतलब अनकाइंड, अनचैरिटेबल का मतलब होता है अनकाइंड। आई एम राइटिंग इट हियर, आई एम पॉइंटिंग इट आउट। अनचैरिटेबल इज एन एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अनकाइंड, ठीक है। तो कह रहे थोड़ा सा और अनकाइंड, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन, प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन लेना पड़ेगा इस, इज दैट डेलिबरेट स्कीम टू चेंज द डेमोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ द रीजन। ये पूरा का पूरा उस जम्मू कश्मीर का पूरे डेमोग्राफी को बदल देगा, और ये जो एक चीज़ है, ये स्कीम इज अनफोल्डिंग मतलब ओपनिंग और रिवीलिंग, ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा है। ये वर्ब की तरह यूज हुआ है, अनफोल्डिंग मतलब सामने आ रहा है, ठीक है। द नेशनल कॉन्फ्रेंस द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बोथ वैली बेस्ड पार्टीज हैव रीआइटरेटेड देयर ऑपोजिशन टू द चेंजेस। रीआइटरेटेड यहाँ वर्ब की तरह यूज हुआ है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैव के साथ यूज हुआ है। रीआइटरेटेड मीन्स टू रीस्टेट और टू स्टेट अगेन एंड अगेन, बार बार किसी बात को कहना, बार बार किसी बात को दोहराना या कहना, ठीक है, वो रीआइटरेट हो करना होता है। देयर ओपोजिशन, वो इन चेंजेस को बार बार अपने ओपोजिशन को बता रहे हैं। मूविंग अहेड द आर्टिकल सेज इन द जम्मू रीजन ऑल्सो देर आर कंसर्न्स दैट देर कुड बी डिसपोजेशन ऑफ लैंड एंड अ श्रिंकिंग ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल पीपल। श्रिंकिंग यहाँ नाउन की तरह यूज हुआ है क्योंकि इसके साथ आर्टिकल लगा है। श्रिंकिंग मतलब टू गेट स्मॉलर इन साइज, ओके। तो क्या श्रिंक हो रहा है भाई? श्रिंकिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज किसके लिए? लोकल पीपल के लिए। तो भाई वो कम हो जाएंगी, लोकल पीपल के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी। मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस पॉलिटिकल एंड नेचुरल बॉर्डर्स हैज बीन अ कॉन्स्टेंट फीचर ऑफ प्रोग्रेस एंड आर्ग्यूमेंट्स ओवर हु आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस सर्व लिटिल पर्पस अदर देन टू असेंचुएट पॉलिटिकल पोलराइजेशन। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं कि कौन ओरिजिनल इनहेबिटेंट है इसका या उसका, ये कुछ नहीं है, एक पर्पस है सिर्फ अपनी बात को, अनसेंचुएट मतलब टू मेक, टू ले स्ट्रेस और टू मेक मोर प्रोमिनेंट, किसी बात को पर स्ट्रेस करके उसको और इम्पोर्टेंट बताना, ठीक है, टू मेक मोर प्रोमिनेंट, और कह सकते हो आप दबाव डालना किसी बात पर या किसी चीज़ को। तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ असेंचुएट करने के लिए, किस चीज़ को असेंचुएट करने के लिए? पॉलिटिकल पोलराइजेशन। असेंचुएट ये एक वर्ब है यहाँ पर, और पोलराइजेशन नाउन है। पोलराइजेशन का मतलब होता है डिविजन करना, डिवाइड करना, डिविजन इनटू टू डिफरेंट ग्रुप्स, बिल्कुल अलग अलग फीचर्स के जो ग्रुप्स हैं उनमें अगर आप डिवाइड करते हैं तो उसे पोलराइजेशन कहते हैं। तो ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन पर असेंचुएट करना मतलब एम्फोसाइज करना ही एक पर्टिकुलर मोटिव समझ आ रहा है या पर्पस। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वाइटलिटी, वाइटलिटी नाउन है और वाइटलिटी का मतलब होता है लाइवलीनेस, है ना, जिंदा दिली जिसे हम कहते हैं। ऑफ अ सोसाइटी ऑफन पॉजिटिवली कोरिलेट विद इट्स ओपननेस टूवर्ड्स द आउटसाइड वर्ल्ड।
कम्युनिटीज दैट आर नॉट इक्विप्ड टू नेगोशिएट विद अनफेमिलियर मार्केट एंड कल्चरल फोर्सेस नीड सम इंसुलेशन. इंसुलेशन नाउन है, इसका मतलब है उनको थोड़ी सी प्रोटेक्शन की जरूरत है. जो भाई देखिए, जो कम्युनिटीज हैं जो कि जिनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है या जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो नेगोशिएट कर पाए मार्केट से और कल्चरल फोर्सेस से, तो उनको इंसुलेशन की जरूरत है, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है. इट इज़ आर्ग्यूएबल दैट विद रिलेटिवली हाई रेट्स ऑफ लिटरेसी एजुकेशन एंड मटीरियल स्टैंडर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट ससेप्टेबल टू एनी डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक टेक ओवर बाय इमिग्रेंट्स. वो कह रहे हैं कि जितना हाई रेट ऑफ लिटरेसी है यहाँ का एजुकेशन में, आप मटेरियल स्टैंडर्ड्स मार्केट स्टैंडर्ड्स की बात करें, तो जम्मू एंड कश्मीर इतना कमज़ोर नहीं है. वो कह रहे हैं इतना ससेप्टेबल नहीं है, इट इज़ नॉट दैट वीक वीक या क्रेडुलस जो कि इतनी आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाएगा. ठीक है, ये एडजेक्टिव है, मैं यहाँ क्लियरली लिखती हूँ. चलिए, ससेप्टेबल जो है लर्नर्स वो एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कमज़ोर या फिर क्रेडुलस होना, नाइव होना. भाई जो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है, आसानी से जिस पर कि दूसरी चीज़ों का प्रभाव पड़ जाता है और वो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी चीज़ से. ठीक है, तो वो इतना कमज़ोर नहीं है कि इमिग्रेंट्स उसको टेक ओवर कर लेंगे. मूवमेंट इन टू द रीजन विल बी लार्जली ड्रिवन बाई इकोनॉमिक रीजन्स, अ स्ट्रेट ड्रिवन री इंजीनियरिंग ऑफ द डेमोग्राफी. री इंजीनियरिंग इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है रीडिजाइनिंग. ओके, किसी चीज को अच्छा या बेहतर बनाना, दैट इज री इंजीनियरिंग. इज नॉट डिजायरेबल डेमोक्रेटिक बट द फियर ऑफ सच अ सिनेरियो इज नो गुड रीजन टू रिट्रीट इन टू अ कुकून ऑफ नेटिविज्म. रिट्रीट इन टू अ कुकून मतलब कि दुनिया से छुप कर अब एक जगह पे बैठ जाना. ठीक है, अब जहाँ पर रिट्रीट अ कुकून ऑफ नेटिविज्म का मतलब होता है अ प्लेस टू एस्केप, अ प्लेस टू एस्केप द वर्ल्ड. वो कुकून होता है, राइट? हम कहते हैं व्हेन वी रिट्रीट इन द कुकून यू हाइडिंग और यू फाउंड अ प्लेस टू एस्केप द वर्ल्ड. दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि देयर इज नो गुड रीजन. अगर ये जो इस सिनेरियो का जो डर बैठा है, ये कोई अच्छा रीजन नहीं है जो कि लोग जाकर आराम से दुनिया से छुप कर वहाँ पर एक जगह अपने अपने आप को बैठें या इन सब चीज़ों से अलग हो जाएं. ऐसा नहीं, अच्छा रीज़न नहीं है. दिस इज नो सच रीज़न फॉर इट. सो आई सपोज यस, दिस इज इट. दीज वर द वर्ड्स फॉर टुडे दैट आई हैड फॉर यू टू डिस्कस. एंड दिस आर्टिकल इज़ वे डिफरेंट अमिड दिस कोविड थिंग. वॉट एल्स इज गोइंग इन द नेशन यू कम टू नो. ठीक है, देखिए मैं आपको हिंदी मीनिंग भी इसीलिए बताती हूँ क्योंकि आप उसको इस्तेमाल करना सीखें. अगर आप इंग्लिश क्लियरली नहीं समझते तो हिंदी, हिंदी नहीं समझते तो इंग्लिश. सो एनी वेज, बोथ लैंग्वेजेस वी हैव बिन यूजिंग और इतने सारे वर्ड्स हम डिस्कस कर रहे हैं. आपके साथ वर्ड फाइल भी शेयर हो रही है इन वर्ड्स की, राइट? आप देख सकते हैं सारे वर्ड उस फाइल में हैं और आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं. इट बिकम्स वे ईजियर टू रिवाइज द वर्ड. एंड हमारे आपका तो हम आपको तो मॉरली बूस्ट करते रहते हैं. इफ़ यू विश टू बूस्ट आस एंड इफ यू लव द सेशन, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन लर्नर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अब तक नहीं किया है. और आप ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आए, आप सारे सेशन अटेंड कर सकें और कोई सेशन मिस ना करें, चाहे वो इंग्लिश का हो और एप्टीट्यूड का हो, रीजनिंग हो या कोई और टॉपिक हो. एनी वेज, थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग लर्नर्स. दिस इज़ वॉट वी विश फॉर यू.